प्रिय दोस्त, आशा करते हैं इस लॉकडाउन में आप लोग ठीक होंगे। हालांकि इस लॉकडाउन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो कि 17 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है और बेहतरीन तरीके से हो रही है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होती है। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस लॉकडाउन में कैसे हम, जिसका कोसों दूर तक कंप्यूटर से या मोबाइल से ये सब दूर तक का रिश्ता था, वो सब लगा कि नहीं, अब वास्तविकता के ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि ये वास्तविकता में ये है कि इस लॉकडाउन में लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ यह सोचने पर मजबूर होगी कि अब मेरा आधुनिक पढ़ाई कैसी होगी, आधुनिक पढ़ाई कैसी होगी। तो इसी आधुनिक पढ़ाई के तौर पे हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज चालू हुई है, उसी का एक संक्षिप्त रूप स्क्रीन के रूप में आ रहा है, जहां हमने शुरुआत किया है आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास को हमने सबसे पहले डिस्क्राइब कर दिया सिलेबस के रूप में, और सिलेबस को जब हमने व्यक्त कर दिया तो व्यक्त करने के बाद यह लगा कि अब आप लोग को कुछ YouTube के माध्यम से एक नई चीज़ दी जाए। और इसी क्रम में हम आज प्रयास कर रहे हैं आप लोग को कि जो वहाँ हम बताए हैं उनको आप लोग को YouTube पर भी हम दे दें। चलिए, तो जब हमने आधुनिक भारत की शुरुआत की तो वहाँ पे हमने सिलेबस की चर्चा की, और सिलेबस की चर्चा करने के बाद हमने देखा कि पहला टॉपिक था भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ या भारत में यूरोपीय का आगमन। इस क्रम में जब हमने देखा तो ये देखा कि मध्यकाल में पश्चिमी देशों को जोड़ने वाला दो समुद्री मार्ग था, एक फारस की खाड़ी और दूसरा लाल सागर। इसे थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, अब ये दोनों मार्ग हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा जो है वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप पे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये इस कलर का जो हमने किया है, ये कलर का, ये वाला आपका हो गया फारस की खाड़ी और ये आपका हो गया लाल सागर। ये दोनों मार्ग से आपके यहाँ व्यापार होता था, और ये पूरा मेरा यूरोपीय कंट्री हुआ। यूरोपीय कंट्री का जब मध्यकाल में भारत के साथ संपर्क था, तो जब भी व्यापारी होती है तो ध्यान रखेंगे कि दो मार्ग से, एक स्थल मार्ग से और दूसरा समुद्र मार्ग से। और ये दोनों मार्ग उस समय प्रचलित थी, एक फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा लाल सागर वाली मार्ग। अब यहाँ पे हम लोग बैक चलते हैं थोड़ा। यहाँ जब ये देखते हैं कि हमारा ये मार्ग ये, तो फारस की खाड़ी और लाल सागर, तो दो कारणों से लाल सागर का मार्ग मध्यकाल में दुष्कर हो गया था, मतलब कठिन हो गया था। एक तो मार्ग में यहाँ देखिए, मार्ग में कोहरा अधिक पड़ना, अब जब कोहरा होगा तो वहाँ रास्ता कठिन हो जाएगा। और दूसरा है मार्ग में चट्टान होना। ये इस तरीके से लाल सागर का रास्ता तो बंद हो गया। अब ज़्यादातर व्यापार किधर से होता था, फारस की खाड़ी होकर के।
अब फारस की खाड़ी होकर के होता था। तो यहाँ पे देखना है कि एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर के गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। अर्थात फारस की खाड़ी वाले में स्थल का प्रयोग ज़्यादा होता था और स्थल का प्रयोग ज़्यादा होता था जिसके कारण यहाँ पे आपको राज्य कर और मार्ग कर दोनों देना पड़ता था। इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो ये पता चलता है हमें। कि यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारिक एकाधिकार यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये वाला। यूरोप के व्यापार में इटली और व्यापारियों का एकाधिकार अधिक था। अब अधिक होने से नवीन राज्य व्यापार से वंचित हो गए थे। अब यूरोप में भी इटली का ज़्यादा प्रभाव था और अन्य यूरोपीय कंट्री जो थे वो इस मंशा में थे कि हमें भी कुछ लाभ हो गए। लेकिन बीच में जो रोमन साम्राज्य था, उस समय रोमन साम्राज्य था, ये रोमन साम्राज्य भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला मेरा रोमन साम्राज्य था, ये इटली का इलाका रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था और तो यहाँ रोम का एकाधिकार था। अब ये इस तरीके से ऐसे आते थे, ठीक है, जहाँ पे कठिनाई होती थी क्योंकि रास्ते में अधिक टैक्स देना पड़ता था। तो इन सभी से फारस का मार्ग भी जो है वो अवरुद्ध हो गया, फारस का मार्ग भी जो है अवरुद्ध हो गया। और एक खास बात और ये हुआ कि 1453 में, ये देखिए 1453 में तुर्कों ने कस्तुतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की, तो ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इसका नियंत्रण हो गया। एक तरफ तो उधर इटली कर रहा था, दूसरी तरफ अब जो है तुर्की का बहुबल हो गया। एक तो पहले से कर ज़्यादा देना पड़ता था और कर जो है एक जगह यदि हो तो ठीक है, है ना। यहाँ तो नवीन राज्य जो रास्ते में मिलते थे उन्हें सभी को कर देना पड़ता था। तो ये सब कारण था जिसके कारण से क्या हुआ कि दोनों मार्ग बंद हो गया और कस्तुतुनिया पर जब तुर्कों का बाहुबल हो गया, अब ये पता चला कि अब भारत के साथ कौन सा यूरोपीय कंट्री व्यापारिक मार्ग का रास्ता खोजेगा और सर्वप्रथम व्यापार करेगा। जब इस क्रम में खोजने का प्रयास किया गया तो ये पता चला कि ये जो भौगोलिक खोज में यूरोपीय लोग बहुत आगे थे, तो क्रमबद्ध रूप से ये सभी ये सोचने लगे कि क्यों नहीं हम ये भारत खोजें, ठीक है। लेकिन ये दोनों रास्ता तो बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, तो अब नए मार्ग का उनको तलाश था। तो ये देखिए, ये येलो वाला स्पेन निवासी कोलंबस था। तो कोलंबस जो है ये खोजने के लिए निकला इंडिया, लेकिन ये सीधे चला गया कहाँ, अमेरिका। अब पुर्तगाल निवासी था
वास्को डी गामा, जो इस रास्ते से केप ऑफ हुड के रास्ते से वो भारत के कालीकट में पहुंचा, और कालीकट के तट पर पहुंचा तो राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो भारत के साथ प्रथम आगमन जो है वो किनका हुआ, वास्को डी गामा का, और वास्को डी गामा जो है यह भारत के कालीकट तट पे पहुंचा और पुर्तगाल निवासी था। तो यहीं पे हमने देखा कि देखिए है ना, 1486 में एक पुर्तगाली नाविक लोम्बोडोज ने अफ्रीका स्थित उत्तर मासा केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला। 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम भरी यात्रा की, अंततः इसने अमेरिका खोज लिया। तो स्पेन निवासी था, ठीक है, कोलंबस। और वहीं 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा उत्तर मासा अंतरिम का रास्ता का खोज किया। इस तरह से भारत में शुरुआत होती है यूरोपीय का, और इस यूरोपीय में सर्वप्रथम जो कौन आए, पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। इस तरीके से क्रमबद्ध हमारा आगे एक एक करके चलता रहेगा, और इसमें सब प्रथम फिर हम लोग देखेंगे पुर्तगाली का यहाँ डिटेलिंग करेंगे, फिर डच का करेंगे, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। और इन सभी में हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इन यूरोपीय में ब्रिटिश क्यों आगे रह गए, जो भारत में सत्ता कायम करने में कामयाब हुई। और इस क्रम में जब हम उनकी पॉलिसियाँ देखते हैं, रणनीतियाँ देखते हैं, तो यह पता चलता है कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश में वो क्षमता थी, कूटनीतिक की क्षमता थी कि जिससे वह शासन कर सके, और इस क्रम में हम लोग देखेंगे। हालांकि यह वह दौर था जब एक तरफ से मध्यकाल से यूरोपीय लोग यह व्यापारिक खोज के लिए निकले थे, एक व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक है। और यूरोप में उस समय आधुनिक यूरोप का कार्यकाल चल रहा था, लेकिन वहीं भारत में चल रहा था आपका मध्यकालीन, जिसमें दिल्ली संतलत और मध्यकालीन का कार्यकाल था, और मुगल काल, दिल्ली संतलत और मुगल काल। और ये मुगल काल का अंतिम शासक जो हुआ वो औरंगजेब हुए, जिनकी मृत्यु 1707 में हो गई, और 1707 में होने के बाद यहाँ एक क्रम तीन पॉलिसियाँ चलती है। एक यूरोपीय अपना अब राजनीतिक क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, दूसरा नवीन स्वतंत्र प्रांत उद्भव हो रहे हैं, और तीसरा जो मुगल की समाप्ति के बाद उत्तर मुगल काल की शुरुआत हुई, उत्तर मुगल काल का जो है शासक में वो क्षमता नहीं थे जो मुख्य रूप से मुगलों में थी, और यदि यह क्षमता होती तो मेरे ख्याल से कुछ परिणाम अलग निकलता। तो इसी को हम लोग क्रमबद्ध रूप से एक डिटेलिंग रूप से हम लोग देखेंगे और क्रमबद्ध रूप से देखते चलेंगे। बस यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है कि इस समय ये पहले पुर्तगाली हम लोग देख लेंगे, उसके बाद डच देख लेंगे, है ना, फिर ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, उसके बाद जब हम उत्तर मुगल काल की शुरुआत करेंगे तो वहाँ अलग से देखेंगे फिर नवीन राज्यों का। तो आज के लिए हम इतना ही, और हम चाहेंगे कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन में जुड़ने का प्रयास करें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए,
फॉरवर्ड कीजिए। हालांकि मैं इससे तो ये था कि पता नहीं कहाँ तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, वर्तमान समय में एक खाली समय में बैठ करके समय का यूटिलाइज किया जाए, और यह खुशी की बात है कि हमारे पास मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, तो दोनों साधनों का प्रयोग करते हुए जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक हम आपको देने का प्रयास करेंगे और देते रहेंगे। धन्यवाद।